सोनी न्यूज खबर आपकी। कमलानगर मार्केट की रेड लाइट एरिया में अचानक 49 और 50 नंबर के कोठे में आग लग गई। आग रसोई में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से लग गई। आग लगने के बाद कोठे में अफरा तफरी मच गई। कोठे पर रह रही सेक्स वर्कर को पुलिस ने निकाला। वहीं भीड़ के चलते यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में दिक्कत हुई, जिसके आग बुझाने का काम देर से शुरू हो चुका। फिलहाल 4 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। लोगों का कहना है कि दमकल की गाड़ियां देर से आई, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो गया। अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां आ जाती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग के जो कर्मचारी वो यहां पर पहुंचे और आग बुझाने का काम जारी। आपको बता दें कि रेड लाइट एरिया में कई ऐसे कोठे हैं जो अनलीगल तरीके से चल रहे हैं, जिसमें फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं है। और आज जिस तरीके से खाना बनाते वक्त दोपहर में LPG सिलेंडर में आग लगने की घटना से ये आग लगी है, जिसकी वजह से 49 नंबर और 50 नंबर कोठे में आग लग गई। और सोनी न्यूज के लिए संजीव सिंह की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अच्छा, ये आग कब लगी और फायर की गाड़ियां कितनी देर में आई है? गाड़ी तो बहुत देर बाद आया। पहले हमने पाइप लगा के बुझाने की कोशिश किया, मगर हमारे पास की जितनी देर तक टाइम मिला हम तो पाइप लगा के कोशिश किया है जनाब। जब आग बढ़ने लगी तो फायर कितनी देर में आई है? फायर कम से कम 25-30 मिनट बाद आया। आपने कितनी बार फायर को कॉल किया? फोन तो किया अच्छी जगह, 3-4 बार फोन मिलाते रहा है, फोन किया है। तो वजह क्या रही है, जाम की वजह रही? क्या ये तो नहीं मालूम जाम की वजह आया नहीं है, और हमारा काम फर्ज बनते है जो फोन करने के लिए। इतनी देर तो हमने फोन किया है, 4-5 कॉल किया है। अगर फायर जल्दी आ जाती नुकसान कम होता? नुकसान कम होता, मगर आया बहुत लेट, और इतना लेट नहीं आना चाहिए था। फिर भी हम लोग पाइप लगा के हमने कोशिश किया जाते बाढ़े ना कम हो जाए। ठीक।